अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल सलीना का किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बादामी खलिये की रेसिपी, बिल्कुल इजी तरीके से, मेरे स्टाइल से। आप चाहो तो इसे चिकन में भी बना सकते हो, मैंने मटन में बनाया है। चलिए जी, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने हाफ़ कटोरी जितना ऑयल लिया हुआ है, उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। वो जो बिरस्ते का ऑयल था वही लिया है। कुछ खड़े मसाले लिए मैंने, दो हरी इलायची, एक बादिया का फूल, दो से तीन दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ ली हुई है मैंने, एक जावंत्री का छोटा सी टुकड़ा लिया है, एक जायफल का भी छोटा सी टुकड़ा लिया हुआ है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, और 2-3 मैंने काली मिर्च ली हुई है, और 2-3 लौंग लिए हुए हैं। अच्छा जी, मेरे पास 250 ग्राम मटन का गोश है, इसकी वजह से मैंने खड़े मसाले की क्वांटिटी इस तरह ली हुई है। ये कुछ तेज पत्ते मैंने लिए हुए 2 से 3। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तेल में मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए हुए, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हुआ है, और ये मैं मटन को डाल दूँगी और उसकी अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगी। इसको मैं 5 मिनट तक तेल में ऐसे ही पका लूँगी, इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए और उसका कलर भी थोड़ा से चेंज हो जाए। अच्छा जी, इसकी अच्छे से 5 मिनट तक भुनाई हो चुकी हैगी। इसके बाद मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले डालूँगी। मैंने लिया हुआ है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, और होममेड गरम मसाला पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है। और इसको मटन में मैं अच्छे से चला लूँगी कि ये अच्छे से पक जाए, और इसमें थोड़ा से मैं पानी भी ऐड करूँगी, मसाले मेरे जले नहीं, क्योंकि गोश्त कच्चा है, उसको पकाना, मुझे उसकी भुनाई करना बहुत वक्त लगेगा, तो मसाले जल जाएंगे, तो मैंने इसमें थोड़ा से पानी ऐड कर दिया है। अच्छा जी, पानी ऐड करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी। 5 मिनट तक मैंने इसको ढक के पका लिया है। ये मैंने इसके लिए ली हुई है बादाम, ये मैंने 8 से 10 बादाम ली हुई है, और 6 से 7 मैंने काजू के टुकड़े लिए हुए हैं। इन दोनों को मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से दोनों को। अच्छा जी, मैंने 2 टमाटर लिए थे, उनको चॉप कर लिया है, इनको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी बादाम और काजू के साथ, और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हुए हैं, इन सबको मैं एक साथ ग्राइंड करूँगी। अच्छा जी, 5 मिनट हो गई थी, तेल अच्छे से छूटने लगा था माशाल्लाह से, और ये पेस्ट मैंने तैयार कर ली है। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लूँगी मैं। अब इसको वापस से मैं ढक के पका लूँगी 5 मिनट के लिए। मैंने आँच को हल्का रखा है, बहुत तेज़ आँच नहीं रखी, ना मीडियम रखी है, स्लो आँच पे मैं इसे पका रही हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून जितना नमक भी डाल दिया इसमें। मैं स्टार्टिंग में नमक नहीं डालती हूँ, मैं थोड़ा रुक के नमक डालती हूँ इसमें। अच्छा जी, अब ये ढक के मैं इसे 5 मिनट और पका लूँगी। आप देख सकते हो तेल अच्छे से छूट गया है, सब चीज़ें अच्छे से पक गई है। ये मैंने 2 टेबल स्पून जितना मैंने दही लिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया हुआ है। दही को आप फेंट के डालिए कि अंदर जाके फटे नहीं। और 2 प्याज का बिरस्ता किया था मैंने, उसे भी यही स्टेज पे इसे ऐड कर दिया है मैंने। अच्छे से ऐड करने के बाद मैं चला लूँगी इसे, फिर से मैं ढक के पका लूँगी। आप चाहो तो ये स्टेज पे कसूरी मेथी डाल सकते हो, मेरे पास है नहीं, ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने ऐड नहीं की उसे। अच्छा जी, आप देख सकते हो माशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से खलिया बन गया है मेरा, और मैं आपको बोटी को भी तोड़ के दिखा दूँगी। ये एक आलू बड़ी साइज़ का था, उसको 2 पीस में मैंने कट कर लिया है, और उसको ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया था,
अब मैं बोटी को आपको कट करके दिखा दूंगी कि बोटी कितनी गल गई है। ~95% जितनी बोटी गल चुकी है। सिर्फ 5 मिनट इसको मुझे पकाना है। 5 मिनट में ये बोटी पूरी पक जाएगी। इसको मैं अच्छे अच्छे चला लूँगी और थोड़ा से पानी ऐड करूँगी, 1/2 ग्लास इतना। और ग्रेवी इतने अच्छे से बनी थी माशाल्लाह से, और टेस्ट बहुत, जायका इसका बहुत अच्छे से आया था। ये स्टेज पे मैं डालूंगी हरी इलायची और जावंत्री का पाउडर। इसको ऊपर से डालने से माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है। तो सिर्फ ये 1/2 टीस्पून जितना है, मैंने छोटा सी चाय का चम्मच होता है ना, वो सिर्फ 1/2 चम्मच लिया हुआ है बस। थोड़ा सी धनिया भी, धनिया के पत्ते ऐड करूंगी, और उसके बाद मैं इसमें टोमेटो सॉस 1 टीस्पून जितना डालूंगी। मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। मेरे हस्बैंड को टोमेटो सॉस वाली चीज़ें थोड़ी कम पसंद आती है, इसलिए मैं इसे जायका बढ़ाने के लिए ही 1 टीस्पून डालूंगी। आप देख सकते हो इसकी ग्रेवी कितने अच्छे से हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसे नान से खाने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी पतली रखी हुई है। आप चाहो तो इसे थोड़ी और गाढ़ी कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं इसमें स्मोक लगा दूँगी। खलिया है, जाहिर सी बात है, इसमें स्मोक लगाना ज़रूरी है। मैंने थोड़ा सी ऑयल डाल दिया है कोयले के ऊपर, और इसको ढक दिया है मैंने। तो मैंने वज़न रख दिया है कि पूरा स्मोक का जो धुआँ है ना, उसकी स्मेल सब में फैल जाए। बस अब मैं इसे डिस आउट कर लूँगी। आप देख सकते हो मेरा बादामी खलिया इतने अच्छे से बन के रेडी हो चुका, और इसका जायका बहुत टेस्टी था। आप इंशाल्लाह मेरे तरीके से ज़रूर बना के मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगती है तो लाइक दीजिए, आगे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।